द फेमस फाइव बराबरी दे शानदार सफर दी मुश्किल कहानी भाग दूसरा। पैंकहर्स्ट परिवार अते हार्डी ने 1905 विच लिबरल संसद मैंबर बैमफोर्ड स्लैक नूं मना लिया ते संसद विच विमेंस सफरेज बिल पेश करवा दिता, पर यह बिल पास ना हो सकिया। इस अंदोलन दीआं जड़ां फैलन लग पईआं ते कैनेडा विच भी यह अंदोलन पहुँच गया। 19वीं सदी के मध्य तक सिर्फ मर्दां नूं ही नागरिकता मिलती रही, सिर्फ गोरे मूल के ही व्यक्ति वोट पा सकते सन। उस वेले कैनेडा विच यह लहर मजबूत होने लगी ते समाजिक सुधारां दी मंग जोर फड़ गई। कैनेडा विच इत्थों कहानी शुरू हुंदी है द फेमस फाइव दी। कैनेडा विच उठी इस लहर दा केंद्र अल्बर्टा बन गया। कैनेडा दीआं इन्हां बहादुर औरतां ने देश दी सुप्रीम कोर्ट कोलों पुछिया कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 दे तहत औरतां नूं भी शामिल किया गया है जां नहीं। एडवर्ड वर्सिज कैनेडा केस विच पांच औरतां एमिली मर्फी, आयरीन मैरियट पार्लवी, नैली मूनी मकलंग, लुईज क्रमी मैकिनी और हैनरीएटा मोयर एडवर्ड्स, इन्हां वल्लों एक पटीशन पाई गई। इसका मकसद सी कि औरतों नूं भी परसन ऐलाना जाए ताँ कि वह भी देश की सैनेट की मैंबर बन सकन। ये हैरानी की गल है कि उस तो पहला तक औरतां सिर्फ प्रॉपर्टी वजों ही समझिया जांदियां सन, मनुखा वांग नहीं। भावें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा ये कानून पास कर चुकी सी कि औरतां परसनज नहीं हन, इस दे बावजूद 27 अगस्त 1927 वाले दिन ये पटीशन फाइल कर दिती गई। 18 अक्टूबर 1929 नूं ब्रिटिश जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसल ने पहला फैसला रद्द कर दिता। औरतों के हक विच ये बहुत ही वड्डा महत्वपूर्ण अते इतिहासिक फैसला सी। इसे केस नूं अज भी परसनज केस के नाम नाल जानिया जांदा है। भावें कि बरतानवी और कैनेडियन नागरिक औरतों को 1929 दीआं फैडरल चोणां विच वोट का अधिकार दे दिता गया सी, पर इस कानून ने औरतों को बराबरी देने का मुढ़ बन दिता सी। एक गल होर दसनी बनती है, 1917 तो लैके 1927 तक कैनेडा दीआं कई फैडरल सरकारां ने इस गल विच दिलचस्पी दिखाई कि किसी औरत नूं भी सैनेट की मैंबर बनाया जाए, पर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 इस दे रस्ते विच रुकावट बनता रहा। फिर पहल की एमिली मर्फी ने, उसने चार औरत कारकुनां की चोण की। उन्होंने अपने घर एडमिंटन विच चाह ते सद्या, पटीशन बारे योजनाबंदी की गई। फैडरल सरकार नूं भेजी जाण वाली इस पटीशन विच कहा जा रहा सी कि सुप्रीम कोर्ट सानू दसे कि परसन शब्द का आखिर मतलब की है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 के तहत एक होर गल भी जरूरी सी। इस एक्ट के सैक्शन 60 के तहत सरकार सुप्रीम कोर्ट तो ता ही संविधान के किसी हिस्से की इंटरप्रिटेशन लै सकती सी जे घट्टो घट्ट 5 व्यक्ति पटीशन पाउण। इस पटीशन विच जिहड़े सवाल पूछे गए वो सन कि की गवर्नर जनरल जां प्राइम मिनिस्टर जां दोवां कोल यह अधिकार है कि वह किसी औरत नूं सैनेट की मैंबर नियुक्त कर सकते ने, अते दूजा सवाल सी कि यह संविधानक तौर पर संभव है कि किसी औरत नूं सैनेट की मैंबर नियुक्त करने वास्ते प्रबंध किया जा सकता है। इस पटीशन के उत्तर विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 के तहत औरतां परसन के दायरे विच नहीं आउंदियां। इस फैसले तो निराश होकर इन्हां पंजां ने जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसल राही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिता। 18 अक्टूबर 1929 को फैसला पलट दिता गया। अगली गल होगी इन्हां पंजां बहादुर औरतों की एक एक करके। इसकी पिछली किश्त देखने लई तुसीं रेड एफ एम के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। रेड एफ एम कैनेडा लई मैं ऋषि नागर, धन्यवाद।